क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा कि कोई किसी को ऐसे भी ठोक सकता है यार। अब तक आपने इंडियन पिक्चरों में सुना होगा ना, ठोक दे, ये कर दे, वो कर दे। अब एक क्लिप देख के आपको यकीन आ रहा है? दोबारा और यकीन करना है, दोबारा देख लें क्लिप। अरे यार, इस तरीके इलाज को कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। कायरोप्रैक्टिक थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। कायरोप्रैक्टिक ये होता है कि अगर आपकी नीज, कोई बोन, कोई लंबर डिस्क, या लंबर डिस्क होते हैं आपकी बैकबोन के डिसलेक्सी को, अगर वो डिस्प्लेस हो जाए तो उसके ज़रिए वो जगह पर आ सकती है, और वो भी कम वक्त में। ठीक है, तो मज़ीद बातें आपको डॉक्टर सलीम से ही सुन के अच्छा लगेगा। और चलें, डॉक्टर सलीम क्या कहते हैं ये मैं आपको इस व्लॉग में दिखा दूँ। प्रॉब्लम यहाँ है या यहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीमुद्दीन है और मैं कराची में एज ए कायरोप्रैक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 11 साल से। और बेसिकली यहाँ पर जो हमारे मेथड्स पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसमें ट्रैक्शन, ट्विस्टिंग और बाकी जग्स वगैरह होते हैं जो कि कायरोप्रैक्टिक मेथड्स के अंडर में आते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट हमारे बैकबोन के होते हैं, यानी शियाटिक पेन, जिसको अर्कोनिसा आप कह सकते हैं, जिसमें आपके डिस्क और मोहरे अलाइन नहीं रहते। ज़्यादा वेट उठाने की वजह से, इम्बैलेंस्ड होकर वेट उठाने की वजह से, बाइक राइडिंग की वजह से, या किसी भी इंटरनल इंजरी, ट्रॉमा या एक्सीडेंट की सूरत में जो बैक की तकलीफ होती है, जिसमें बैक एक होता है, तो उसमें यूजुअली हम लोग लैब्स टेस्ट वगैरह करवाते हैं जिसमें MRI, एक्सरे शामिल होते हैं। और उसी से डायग्नोसिस के बेस के ऊपर फिर हम अपनी ड्रॉप टेबल पर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत सेफ है। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कायरोप्रैक्टिक मेथड्स एंड द लेमन प्रैक्टिस। होता यह है कि एक पहलवान अगर हड्डियां बिठा रहा है या उस पर पट्टी बांध रहा है कुछ मरहम लगा के, या उस पर प्लास्टर कर रहा है, तो वो वही सारे काम करता है जो उसने अपने उस्ताद को देखा हुआ करते हुए। उसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और आपकी बॉडी, खासकर आपकी रीढ़ की हड्डी, जो कोई मजाक नहीं है, वो हमेशा एक रिस्क पे होती है। तो अपने आप को किसी ऐसे बंदे के हवाले ना करें जो नाई या बार-बार की तरह वही काम करता है जो उसने उस्ताद को करते हुए देखा होता है। मेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया कंपैरेटिवली टू द फीमेल पेशेंट बहुत ही रेयर, बहुत कम है। ठीक है, खवातीन में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। वहाँ पर एज को देखते हुए और मेनोपॉज के ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के बाद पेशेंट से हम BMD करवाते हैं, बोन मास डेंसिटी टेस्ट। उस टेस्ट की रिपोर्ट को देखते हुए हम उनका सेशन रिपीट करते हैं। वरना हम लोग वुमन ऐसे पेशेंट्स को जिनकी एज ज़्यादा हो और वो खवातीन, मतलब फीमेल पेशेंट हैं, तो हम बगैर BMD के नहीं करते ट्रीटमेंट। जबकि मेल्स में कोई भी एज का पेशेंट हो और साथ ही साथ वो किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम में हो, तो हम उसको ले लेते हैं। कैसे हैं? ठीक है, ओके। आज मुझे बैकबोन का इश्यू था, मुझे स्लिप डिस्क का मसला था, मेरी लंबर 5 जो थी स्लिप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 1 महीने पैरालाइज रही हूँ। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने नेट पे डॉक्टर साहब को सर्च किया और मुझे एडवाइज़ किया कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं। उससे पहले जितने भी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, उन्होंने सब ने मुझे ऑपरेशन का कहा, और ऑपरेशन से मैं बचना चाह रही थी, मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ऑपरेशन करवाऊँ। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आई हूँ, ये मेरा आज 2nd विज़िट है और मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। उससे पहले मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पाँव में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था।
यही कहना चाहूँगी कि कायरोप्रैक्टर जो हैं बेस्ट होते हैं, आप प्लीज़ डॉक्टर सलीम के पास विज़िट करें और एक से दो विज़िट में ही आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो डर लग रहा था, लेकिन यह है कि जब दर्द उससे ज़्यादा था, जब डॉक्टर साहब ने किया इसको जो भी उनकी प्रैक्टिस है, उसके बाद दर्द एकदम ख़त्म हो गया। या मेरा ख्याल है कि अगर आपको कायरोप्रैक्टिक के पास जाकर अपनी इस बड़ी तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है तो क्या बुरा है, और मेरा ख्याल है कम वक्त में मिल जाता है, दीगर दवाइयों के इस्तेमाल से तो बहुत बेहतर है। और अगर नॉर्मल भी हैं तो एक दफ़ा अपनी बोन्स को चेक करवाने के लिए ज़रूर कायरोप्रैक्टिक के पास जाइए, ताकि आपको पता चले कि कहीं आप बीइंग अ फीमेल हड्डियों के भुरभुरेपन या किसी दीगर बीमारी का शिकार तो नहीं हो रही है। तो मैंने तो अपॉइंटमेंट ले लिया है, आपके अपॉइंटमेंट के लिए नंबर मैंने नीचे दे दिया डॉक्टर सलीम का, मजीद आप उससे जान लीजिएगा। ठीक है, फिर मैंने एक्सी लॉक, अल्लाह हाफिज़।